यमुना नदी के किनारे बसा हुआ मथुरा शहर भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि है। आज हम आपको मथुरा ट्रिप से रिलेटेड सारी जानकारी देंगे। मथुरा कैसे पहुँचें, कहाँ रुकें, कहाँ घूमें और कितना होगा खर्च, तो ये वीडियो पूरा देखिए। हमारे चैनल मस्ट विजिट प्लेसेस को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। दोस्तों बात करते हैं कि मथुरा कैसे पहुँचा जाए। मथुरा उत्तर प्रदेश में है। यहाँ पहुँचने के लिए ट्रेन की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। दिल्ली, जयपुर, लखनऊ, कानपुर, इंदौर, अहमदाबाद, पटना, मुंबई या कह सकते हैं मोस्टली देश के हर बड़े शहर से मथुरा के लिए ट्रेन्स अवेलेबल हैं। यहाँ पहुँचने के लिए ट्रेन्स की जर्नी ही बेस्ट रहेगी। अगर आपके शहर से ट्रेन अवेलेबल नहीं है तो आप चेक कर लें कि आपके शहर से कोई बस मथुरा के लिए जा रही है। दिल्ली के ISBT से हर घंटे मथुरा के लिए बसेज अवेलेबल हैं। आगे बात करते हैं कि मथुरा में स्टे कहाँ किया जाए। मथुरा में रुकने के लिए बहुत सारे धर्मशाला हैं जहाँ आपको 200 रुपये से 500 रुपये तक रूम मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप चाहें तो आप होटल में भी रुक सकते हैं जिनके रेट्स 800 रुपये से लेकर 2000 रुपये के बीच में होंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूँ। मथुरा के मोस्टली सभी मंदिर दिन में 12 से शाम को 4 बजे तक बंद रहते हैं, तो आपको मंदिरों के दर्शन या तो मॉर्निंग में करने हैं या तो इवनिंग में। मथुरा में मंदिरों की कमी नहीं है, पर डिपेंड करता है आपके पास कितना टाइम है। मैं इस वीडियो में आपको मथुरा के प्रमुख मंदिरों की जानकारी दूंगा। सबसे पहले आप श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के दर्शन करें। मथुरा स्टेशन से कृष्ण जन्मभूमि मंदिर की डिस्टेंस सिर्फ 4 किलोमीटर है। दोस्तों इस मंदिर के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान ले जाना अलाउड नहीं है। ये मंदिर 3 भागों में बटा हुआ है, गर्भगृह, केशव देव मंदिर और भार्गव भवन। गर्भगृह वही जगह है जहाँ कंस ने वासुदेव और देवकी को बंदी बनाकर रखा था। इसके अलावा इस मंदिर परिसर में और भी मंदिर हैं जैसे जगन्नाथ मंदिर, सीताराम मंदिर, महादेव मंदिर, हनुमान मंदिर। कृष्ण जन्मभूमि मंदिर की होली और जन्माष्टमी दोनों देश भर में प्रसिद्ध हैं। देश के कोने कोने से लाखों लोग इन त्योहारों पर यहाँ आते हैं। कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के दर्शन करने के बाद हम द्वारकाधीश मंदिर जाएंगे। ये मंदिर कृष्ण जन्मभूमि से लगभग 2 किलोमीटर दूर है। दोस्तों मथुरा में ट्रैवल करने के लिए आपको ई रिक्शा या साइकिल रिक्शा से ट्रैवल करना होगा। द्वारकाधीश मंदिर मॉर्निंग में 6:30 से 10:30 खुलता है और इवनिंग में 3:30 से 7:30 बजे तक खुलता है। ये मंदिर मथुरा सिटी के बीचों बीच बना हुआ अत्यंत सुंदर मंदिर है। आप यहाँ भगवान द्वारकाधीश के दर्शन करें और मंदिर परिसर में बने हुए अन्य मंदिरों के दर्शन भी करें। द्वारकाधीश मंदिर के दर्शन के बाद कुछ दूरी पर बने हुए विश्राम घाट जरूर जाएं। वैसे तो मथुरा में 25 घाट हैं, पर प्रमुख घाट विश्राम घाट ही है। माना जाता है भगवान श्री कृष्ण और उनके भाई बलराम जी ने उनके मामा कंस का वध करने के बाद इसी घाट पर विश्राम किया था, इसीलिए इस घाट का नाम विश्राम घाट पड़ा। यहाँ बने हुए यमुना माता के मंदिर के दर्शन जरूर करें। शाम को इस घाट पर यमुना माता की आरती होती है, जो नज़ारा बहुत ही सुंदर होता है। इस घाट पर आप नाव की सवारी भी कर सकते हैं जो कि सिर्फ 50 से 60 रुपये लेकर आपको यमुना नदी की सैर करवा देगी। माता यमुना के दर्शन करने के बाद आप शिव भगवान के प्रसिद्ध मंदिर बूटेश्वर महादेव मंदिर जो कि मथुरा के बूटेश्वर चौराहे के पास बना हुआ है जा सकते हैं। इस मंदिर में महादेव का बहुत पुराना शिवलिंग स्थापित है। इसके बाद आप चामुंडा देवी मंदिर जा सकते हैं जो कि 51 शक्तिपीठों में से एक है। माना जाता है कि यहाँ माता सती के केश गिरे थे। ये मंदिर मथुरा वृंदावन मार्ग पर बना हुआ है। इसके अलावा आप गीता मंदिर भी जा सकते हैं। ये मंदिर चामुंडा देवी मंदिर से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। इस मंदिर को बिरला मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर के नक्काशी इसे और भी खूबसूरत बनाती है। यहाँ बने हुए 50 मीटर ऊंचे स्तंभ पर पूरी गीता लिखी हुई है। तो दोस्तों ये थी आपकी मथुरा ट्रिप से रिलेटेड सारी जानकारी। धन्यवाद।